गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हमने क्लास सेकेंड का हिंदी फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर वो हमारा फिनिश हो गया है। अब हम सेकेंड क्लास की हिंदी व्याकरण, सुलभ व्याकरण, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और उसके रूप। ठीक है बच्चों, तो आज डे क्या है, ट्यूसडे, और डेट क्या है, 21 जुलाई। अब बच्चों अब पढ़ते हैं भाषा और उसके रूप। सबसे पहले आप देखिए, इस पिक्चर में देखिए, इस चित्र में देखिए कौन क्या कर रहा है। जैसे ये दादाजी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये दादी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर सोचो। जैसे दादी जी क्या कर रही हैं, बच्चे क्यों चुप बैठे हैं, अब बताओ क्या आप भी अपनी दादी नानी से इसी भांति कहानी सुनते हो। दादाजी क्या कर रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे होंगे, क्यों लिख रहे होंगे। तो आप इस चित्र में देख रहे हो कि ये दादी जी जो इनको कहानी सुना रही हैं बच्चों को, और बच्चे सुन रहे हैं उनकी कहानी। ये दादाजी हैं, पत्र लिख रहे हैं, पर किसको लिख रहे हैं। अनेक तरह के सवाल जवाब हम अपने आप से भी पूछते हैं। विचारों के इसी क्रम में भाषा विकसित हुई होगी, अतः हम कह सकते हैं कि अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, कि अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचार स्वयं पाना ही भाषा है। यानी अपने विचार दूसरों तक और दूसरों के विचार अपने तक। इसे सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर ग्रहण व प्रकट किया जाता है। समझ में आए बच्चों कि अपने विचार दूसरों तक और दूसरों के विचार अपने तक, और कैसे सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर ग्रहण किया जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए भाषा की। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक जो मुख से बोली जाती है, और लिखित जो लिखकर कही जाती है, बताई जाती है। जैसे इस क्या कहते हैं, इस चित्र में देखिए, दादी माँ कहानी सुना रही हैं, बच्चे संगीत सुन रहे हैं, और इस चित्र में ऑफिस में कर्मचारी लिख रहा है और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मौखिक मुख से बोली जाने वाली, लिखित लिखकर कही जाने वाली। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं बोलकर, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों आज हम आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ा रहे हैं, भाषा की परिभाषा बताई और भाषा के रूप। आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि जो मैंने पढ़ाया उसकी अच्छी तरीके से आपको रीडिंग करनी है, साथ के साथ भाषा की परिभाषा और मौखिक और लिखित रूप इनको भी याद करना है।